ड्यू टू टेक्निकल इशू जो है कुछ चीज़ें छूट गई थी PVS में जो है, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। और सभी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड कराई जा रही हैं, हर दिन कुछ नया, और चाहे वो CDP हो, मैथ हो, EVS हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, पेडागोगी, सभी चीज़ें, इंग्लिश, तो स्टार्ट की जा रही है। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि मोटिवेट होते रहे और अच्छा से अच्छा कंटेंट हम आपको लाएं। ठीक है, तो EVS हम लोग पढ़ रहे हैं 30 मार्क्स का। इसमें एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली के बारे में पढ़ रहे थे। तो एकल फैमिली, जिस भी परिवार से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके फैमिली और ब्रदर एंड सिस्टर जो है, मतलब आपके पेरेंट्स, माता पिता और आपके भाई बहन, वह जो है एकल फैमिली है। और ज्वाइंट फैमिली में आपके ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, आंट, अंकल जो है, ये सब आ गए, और आपके पेरेंट्स तो हैं ही। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कि एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, मतलब आपके माता पिता और आप जो है भाई बहन। तो ये एकल न्यूक्लियर फैमिली हो गया, एकल परिवार। जबकि संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली में दादा दादी, चाचा बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इसी को हमको पढ़ना है EVS में। NCF 2005 के अनुसार, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार, कक्षा 3 से 5, ठीक है, तक के पर्यावरण स्टडी, एनवायरमेंटल जो है स्टडी के 6 थीमों में विभाजित किया गया। 6 थीम है, जिसमें पूरा पर्यावरण अध्ययन जो है शामिल है। ये क्या है? परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स, भोजन, फूड, पानी, वाटर, आवास, शेल्टर, यात्रा, ट्रेवल, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी जो है मेक एंड डू। साथ ही परिवार एवं मित्र जो है, उसमें आपके जो है उप थीम भी हैं, रिलेशन, संबंध, वर्क एंड प्ले, कार्य, खेल और जानवर, पौधे। इन्हीं सभी 6 थीम में जो है पूरा पर्यावरण अध्ययन शामिल है। चूँकि 1 टू आपको 8 पढ़ाना है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी सेक्शन के, उसमें जो है सभी थीम को मिलाकर जो है स्टडी कराया गया है। क्योंकि बच्चे तो जो है उतना डीपली से जान नहीं पाएंगे, इसलिए इस तरह लोकेलिटी को जोड़ दिया गया है, आसपास के चीज़ों को, कि उसने आसानी से समझ में आए। तो कक्षा 3 से 5 तक के जो है पर्यावरण अध्ययन में हमें इन्हीं 6 थीमों को पढ़ाना है, और इन्हीं से कोरिलेट करके, जिससे कि उन्हें बोझ नहीं लगे। शिक्षा, NCF भी क्या करता है कि शिक्षा जो है बोझ नहीं लगे, आसपास की चीज़ों से जोड़े, क्लास के वर्क के जो चीज़ें हैं उनसे जोड़े, जो बच्चा देख रहा है, सीख कर रहा है, उसी चीज़ों को जोड़कर अध्ययन से जोड़ते, जिससे कि उसे आसानी से समझ में आए। स्टडी भी क्या है? अध्ययन जो हम करते हैं, वह सभी चीज़ें तो समाज में मौजूद हैं, हर चीज़ें हो रही हैं, उन्हीं का जो हम अध्ययन स्टडी करते हैं, शिक्षा का माध्यम। क्या आपके परिवार एवं मित्र आपके आसपास नहीं हैं? इनका तो अध्ययन है। फैमिली एंड फ्रेंड, भोजन जो आप करते हैं, तो किसे? पर्यावरण से ही तो रिलेटेड है, उसका उत्पादन करते हैं। वाटर, जीवन से जुड़ी हुई है, पर्यावरण के अध्ययन ही आते हैं। शेल्टर, आप रहते हैं आवास बना के, तो उनमें विभिन्न चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। यात्रा, ट्रेवलिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, विभिन्न सारे चीज़ों का अध्ययन देखते हैं, सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो सभी क्या है? कोरिलेटेड है। जो हम चीज़ बनाते हैं, देखते हैं, वही सब का अध्ययन है। आप जो भी किस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो क्या है वो पर्यावरण से चीज़ जुड़ा है कि नहीं? सपोज दैट आप पेज ही बनता है प्रिंटिंग के लिए, जो पेज, तो उसमें पेड़ों से ही शायद बनाया जाता है पेपर, पेड़ों की पेपर आप देखते होंगे। तो हर चीज़, अगर आप कारपेंटर हैं, बढ़ई क्या, तो वह क्या है? पेड़ से ही तो बनाया जाता है विभिन्न सारे के जो है सामान जो है। जो हम भोजन करते हैं, वह तो पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ है, उत्पादन करते हैं, उसमें पानी का यूज है, नेचुरली जो चीज़ें हैं वो, उनसे हर चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। तो इन चीज़ों को जब हम आसपास के परिवेश से बच्चों को जोड़ देते हैं, तो उन्हें समझने में परेशानी नहीं होती है, बिल्कुल इजी भी। वजह से आते हैं घर से, देखते हैं कि ये कुत्ता है, बैल है, पेड़ है, पौधे हैं, नदी है, झरना है, तालाब है, पर्यावरण
परिवार है, माता पिता हैं, ट्रेन है, बस है, रोडवेज है, ट्रांसपोर्ट है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है इस 6 थीम में नहीं है, हर चीज़ आ गई। तो इन्हीं चीज़ों का अध्ययन ही इन्वायरमेंटल स्टडीज है। यहाँ आप जुड़े हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको वेस्ट टू वेस्ट कंटेंट देने की प्रोवाइज की जाए, ऐसी कि जो 100% सेटिस्फेक्शन हो, जिससे कि आप जो है जिस उद्देश्य और जिस लक्ष्य के लिए जुड़े हैं वो पूरा हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि कंटेंट्स जो भी दिया जाए मतलब बेस्ट टू वेस्ट, कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, चीज़ें कम पढ़ाई जा रही ज़्यादा पढ़ाई इससे भी मतलब नहीं, चीज़ें जो फैक्ट है, एक्चुअल है, जो जेन्युइन है, जो इम्पोर्टेंस फॉर योर एग्जाम एंड योर लाइफ, तो उन चीज़ों को बताया जाता है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जब तक आप उनको सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तभी आप चीज़ें कितना हो हैं जो है उसमें डिफ़िकल्टी ले पालेंगे। चीज़ें जब आसानी से आप सीख लेंगे।